हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, स्पेसिफिक ओके तो स्पेसिफिक रिलीफ क्या एक्ट क्या है बेटे? आंख के बदले आंख वाली बात होती है। तो स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर क्या होता है, जो काम करने का किसी ने वायदा किया एग्रीमेंट में, हमें वो काम ही कराना है, उसके बदले कंपनसेशन और डैमेज नहीं करना। तो ये दो वर्ड से बना है, एक है स्पेसिफिक और एक है रिलीफ। ठीक है, तो दो टाइप की रिलीफ का मतलब क्या होता है? तो रिलीफ का मतलब होता है, रिलीफ का मीनिंग है रेमेडी। रिलीफ का मतलब होता है रेमेडी। किस चीज की रेमेडी? फॉर रॉन्ग, सम रॉन्ग और इंजरी। आपको कुछ रॉन्ग किया गया आपके साथ इंजरी, उसकी जो रेमेडी होती है उसको कहते हैं रिलीफ। ठीक है, तो वो रिलीफ जो होती है यदि सेम थिंग की हो तो स्पेसिफिक कहलाती है, सेम थिंग की हो तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं, अदरवाइज उसको कंपनसेशन कहते हैं। जो नुकसान हुआ, जो काम हुआ, काम के बदले जो काम करना था जो नहीं किया, सेम काम के बदले काम, सेम चीज को कहते हैं स्पेसिफिक, अदरवाइज कंपनसेशन। तो हम यहां पे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सेम थिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, सेम वाले को कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। और अगर वो काम की जगह जो आपको नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन देते हैं उसको कहते हैं कंपनसेटरी रिलीफ। कंपनसेटरी रिलीफ, समझ में आया? भाई आपको जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, हमारा बैच फुल हो गया, रजिस्ट्रेशन कराया और हम कहते हैं भाई आपने जो है 10,000 रुपए में अब जो है बैच नहीं ले रहा हूं, आप 10,000 रुपए वापस ले लीजिए। तो जो 10,000 रुपए वापस लिए कंपनसेटरी रिलीफ है। स्पेसिफिक रिलीफ ये थी कि हमने एग्रीमेंट किया था आपको पढ़ाने का और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको इनको पढ़ाना होगा, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ। जिस चीज के लिए एग्रीमेंट हुआ सेम चीज मिलेगी, सेम थिंग एंड दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ। और कंपनसेटरी रिलीफ क्या है? कंपनसेशन। क्लियर? तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है के जो प्रोविजंस हैं इसके, ये हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। ये स्पेसिफिक रिलीफ क्यों ग्रांट की जाती है, क्या है स्पेसिफिक रिलीफ, क्या है स्पेसिफिक रिलीफ, क्यों मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये सब हम समझेंगे। ये स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल है। ये स्पेसिफिक रिलीफ हम कब मांगते हैं, जब हम देखते हैं कि डैमेज इज नॉट एन एडिकेट रिलीफ। डैमेज देने से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, डैमेज इज नॉट एन एडिकेट रिलीफ। ओके, अब ये जो स्पेसिफिक रिलीफ मिले या नहीं मिले ये जनरली कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन कोर्ट को करना क्या चाहिए, ये जस्टिस एंड इक्विटी के प्रिंसिपल पर जनरली ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गारंटीड होती है। ये केवल सिविल राइट्स के लिए होती है, इंडिविजुअल के सिविल राइट्स के लिए, नॉट फॉर
पैनल लाइट, ओके। सिविल लाइट क्रिमिनल के लिए, आपको किसी ने मार, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ नुकसान हो गया, जानबूझ के नहीं किया गया है ना, उस नुकसान से आप सिविल कंपनसेशन लेते हैं, वो कंपनसेटरी रिलीफ है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ हाथ के बदले हाथ तो नहीं देगा, जो सिविल मैटर्स है पैसे का बदले, तो सिविल रिलीफ के लिए ही है, क्रिमिनल के लिए नहीं है। ओके, तो ये जनरली किसके लिए होती है, तो स्पेसिफिक रिलीफ पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, तो स्पेसिफिक रिलीफ आपने समझा, कंपनसेटरी रिलीफ के अंदर कंपनसेशन मिलता, स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर क्या मिलता है, जो चीज आपकी आपका जो दूसरे को एक्टिविटी करनी चाहिए थी, जो रिलीफ, जो स्पेसिफिक एक्शन ड्यू था, जैसे सपोज आपकी किसी ने आपका बाइक ले ली और आपको बाइक के बदले बाइक ही चाहिए, तो आप समझिए सबसे पहले स्पेसिफिक, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी आपको रिकवरी चाहिए, रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आप कहते हैं मेरे को डैमेज नहीं चाहिए, मेरे को वही प्रॉपर्टी चाहिए, तो पहली स्पेसिफिक रिलीफ हम बताते हैं पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दो तरह की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, ये दो तरह की आपको रिलीफ है, ठीक है। हाँ, तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको पजेशन यदि रिकवर करना है, दो बेसिस पे आपको मिलेगा, एक तो आपका टाइटल और एक पजेशन। यदि आपके पास टाइटल है और पजेशन है, ठीक है, तो ये जो टाइटल है, जैसा कि हमने आपको बताया था लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक यदि आपके पास टाइटल है जिस प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी पे दूसरे का कब्जा है, ठीक है, तो उसको हम रिकवर करने के लिए सूट डाल सकते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है। और इसका यदि कोई आदमी ने डिस्पोज कर दिया, तो 6 महीने के अंदर हम सूट डाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे नाम है और उसका पजेशन किसी और के पास है, तो हम 12 साल तक अपना पजेशन लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को डाल सकते हैं। अब दूसरा आदमी कहे नहीं जी नहीं, इसके बराबर की वैल्यू ले लीजिए, हम पैसा नहीं देंगे, और हम कहते हैं नहीं हमें तो वही जमीन चाहिए, तो जमीन चाहिए, तो दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसी तरह हमारे पास कोई पजेशन था लेकिन हमको डिस्पोज कर दिया अनलॉफुल तरीके से, 6 महीने के अंदर हम सूट फॉर कर सकते हैं रिपजेशन के लिए, ओके। लेकिन ये कब हो सकता है, जब डिस्पोजेशन हो, डिस्पोजेशन विदाउट कॉन्सेंट, यदि हमने कॉन्सेंट से पजेशन दे दिया, दिस पजेशन विदाउट कॉन्सेंट,
ठीक है, इवन जो राइटफुल ऑनर है उसके अगेंस्ट भी हम, इवन अगेंस्ट यदि हमने हमें इलीगल तरीके से डिस्पोजेज किया गया है तो इवन हम राइटफुल ऑनर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट गवर्नमेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं किया सकता। और इस तरह का जो भी ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट नो अपील नो डिग्री, नो अपील नो डिग्री, ओके। तो रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनवेल प्रॉपर्टी का टाइटल एंड पजेशन, टाइटल 12 इयर्स तक, 12 साल तक हम यदि हमारे पास उस प्रॉपर्टी के संपत्ति के अधिकार हैं तो हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं, ओके। और अगर हमको इलीगल तरीके से डिस्पोजेज कर दिया गया तो 6 महीने के अंदर हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी रिस्टोरिंग द पजेशन या इनवेल प्रॉपर्टी के रिपजेशन के लिए हम सूट फाइल कर सकते हैं, इवन अगेंस्ट द राइटफुल ऑनर, ठीक है। ये हमारा कहता है सेक्शन 6, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, ओके। ये सेक्शन 6 कहता है पजेशन और टाइटल के अगेंस्ट हम कह सकते हैं सेक्शन 5। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी यदि कोई हमारी बाइक छीन के ले गया कुछ, या कोई सामान हमारा यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और वो हमारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पास है तो यदि वो एसर्टेन की जा सकती हो तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, पीपल उसको राइट होना चाहिए, राइट टू हैव इमीडिएट पजेशन राइट टू हैव इमीडिएट पजेशन इवन ट्रस्टी में सू, इवन ट्रस्टी में सू फॉर द पजेशन ऑफ ट्रस्टी में सू फॉर द पजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा यदि किसी के पास जो पर्सन टेम्पररी राइट जिसके पास है, जिस आदमी के पास टेम्पररी राइट है प्रॉपर्टी के, ही मे आल्सो फाइल सूट, ओके। तो ये हमने कुछ प्रोविजन समझे रिकवरेबल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अब अभी हमने समझे इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स। हाँ जी, बात समझ में आती है? क्या है यदि आपकी प्रॉपर्टी है
आपके नाम प्रॉपर्टी है, तो इवन 12 साल तक आप उस प्रॉपर्टी के रिपोजिशन के लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी इवन आप राइटफुल ऑनर नहीं है, टाइटल आपके नाम भी नहीं है, लेकिन उसके उसका आपके पास पजेशन है और आपको इलीगल तरीके से डिस्पजेज किया गया है, तो 6 महीने के अंदर आप उसके रिपोजिशन का सूट डाल सकते हो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप तो बिलोंग करती थी या आप उसको पजेशन में थी आपके, इवन इफ यू आर नॉट ए राइटफुल ऑनर बट नॉट द रियल ऑनर बट बाई एजेंट, बाई एज ए ट्रस्टी या किसी भी तरह आपके पजेशन में है, और वो प्रॉपर्टी यदि किसी और के कब्जे में चली गई है, तो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी एसर्टेन हो, की जा सकती है वो प्रॉपर्टी एसर्टेन की जा सकती है। वी हैव ए राइट टू हैव इमीडिएट पजेशन, ट्रस्टी में स्यू फॉर द पजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इवन हमारे पास टेम्पररी राइट है या हम ट्रस्टी हैं तब भी हम सूट डाल सकते हैं। हाँ जी, बात यहाँ तक समझ में आती है? अब ये तो हमने समझे कि हमारे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के क्या क्या राइट है। अब हम समझेंगे कि यदि किसी और की प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उसकी लायबिलिटी क्या क्या है। ओके, लायबिलिटी क्या क्या है, सेक्शन 8 लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग पजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग पजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। पजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वो ही इज नॉट ए लीगल ऑनर, नॉट लीगल ऑनर, पजेशन में है लेकिन लीगल ऑनर नहीं है, उसके केस में क्या लाइबिलिटी है। तो ये पर्सन कौन सा होना चाहिए, इस पर्सन लीगल ऑनर नॉट लीगल ऑनर, लेकिन इसके पास पजेशन होना चाहिए, और राइट ऑफ पजेशन होना चाहिए, पजेशन होना चाहिए, राइट ऑफ पजेशन होना चाहिए लेकिन लीगल ऑनर नहीं हो, उस केस में ये हमारा सेक्शन 8 एप्लीकेबल होगा। क्लियर, इस केस में क्या होगा, सेक्शन 8 एप्लीकेबल होगा। तो इस केस के अंदर ये डिफेंडेंट है तो ये जो जो आदमी इस प्रॉपर्टी को ऐसी को होल्ड कर रहा है तो राइट क्या होगा, तो उसको कंपेल किया जा सकता है, कंपेल टू डिलीवर, कंपेल टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, कंपेल टू डिलीवर द प्रॉपर्टी कब कब, एजेंट और ट्रस्टी, एजेंट और ट्रस्टी
क्या है, या तो ये आदमी जो होल्ड कर रहा है, या तो एज एजेंट कर रहा है, या नॉट फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन, नॉट फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन, नॉट फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन, और इट इज नॉट नॉट असर्टेनेबल डैमेज, या जो लॉस है प्रॉपर्टी की वजह से वो असर्टेनेबल नहीं है, या जो उसका टाइटल है वो रॉन्गली ट्रांसफर्ड है, गलती से ट्रांसफर्ड है। तो यदि एक आदमी, एक पर्सन जो कि उसका लीगल ऑनर नहीं है, उसका पजेशन है उसके पास, और इमीडिएट राइट भी है उसके पास पजेशन का, लेकिन उसको वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी अगर वो एजेंट या ट्रस्टी के रूप में उसको रख रहा है, या नॉट फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन उसको होल्ड कर रहा है, या यदि उस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा तो उसका डैमेज असर्टेनेबल नहीं है, या फिर प्रेम्प्टिव के पास वो रॉन्गली ट्रांसफर्ड हुई है। ओके, तो सेक्शन 7 और 8 के अंदर क्या फर्क था, उसमें भी स्पेसिफिक थी। सेक्शन 7 जनरल सेक्शन था, और जो सेक्शन 8 है ये स्पेसिफिक सेक्शन है फॉर ट्रांसफर ऑफ। ओके, तो ये हमने आपको कुछ कुछ बताया कि प्रॉपर्टी केस में क्या क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पूरी तरह समझेंगे इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम जनरली समझते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात कुछ समझ में आई? हाँ जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अब समझिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, इट इज बेसिकली इक्विटेबल रिलीफ, इट इज इक्विटेबल रिलीफ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? इक्विटेबल रिलीफ। इक्विटेबल रिलीफ क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। Order to actually perform the contract. It is an order to actually perform the contract. Okay? According to the terms and conditions. According to
टर्म्स एंड कंडीशन। इक्विटेबल रिलीफ क्या है? ओके, तो ये जनरली कब की जाती है? जब कंपनसेटरी रिलीफ इज नॉट एडिक्वेट। रिलीफ इज नॉट एडिक्वेट, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है, मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई आदमी हमारे को मेटल सप्लाई करेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और वो मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट के बाद में उस प्रिस्क्राइब रेट पर हमको मटेरियल सप्लाई नहीं करता, और कोर्ट पे हम कहते हैं कि उसके उसे वो मटेरियल सप्लाई करना है, यदि बेसिकली यदि कोर्ट ऑर्डर करता है मटेरियल सप्लाई करने का, डेट इज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ, और वो कहता है कि आपने सप्लाई नहीं किया, इनको बाजार से खरीदना पड़ेगा, इतना इनका लॉस हुआ, और उसके बेसिस पे कंपनसेशन देता है, तो वो क्या होगी? वो होगी कंपनसेटरी रिलीफ। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर तब की जाती है, मान लो एक कंपनी है वो एक स्पेशल टाइप का मटेरियल बनाती है और उसके बिना हमारा प्रोडक्ट चल ही नहीं सकता, यानी कोई हमारा मार्केट से कंपनसेटरी रिलीफ इज नॉट एडिक्वेट, हमारा काम तो रुक ही जाएगा, तो उस केस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओके इज रिक्वायर्ड। जो पार्टी हैं वो अपनी अपनी डिफेंसेस देती हैं, अपने अपने तर्क रखती हैं कि क्यों इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम चार हेड के अंदर डिस्कस करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को फोर हेड्स में। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकते, और कुछ क्या क्या डिफेंसेस ली जा सकती हैं, और कौन कौन सी पार्टीज हैं इन एक्शन फॉर द स्पेसिफिक। तो इसको हम स्टडी करेंगे चार हेड में। पहला हेड कॉन्ट्रैक्ट्स, चार पार्ट में बात करके हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स which may not be specifically enforced, contract which may not be specifically enforced, next defenses to an action for specific performance, and parties to an action for a specific performance. चार पार्ट में
हम डिवाइड करके इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम ये नोट कीजिए, आप चार पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक करके हम एक एक पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्टेक्स्ट विच मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्स किए जा सकते हैं। हाँ जी, ये हमारा बताता है सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताता है कौन कौन से कॉन्टेक्ट हैं विच में भी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ओके, ऐसे कॉन्टेक्ट यहां देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ डिटरमाइनिंग डैमेज, जब डैमेज डिटरमाइन करने का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ना हो, या कंपनसेशन ऑफ मनी इज नॉट एडिक्वेट। नो स्टैंडर्ड ऑफ डिटरमाइनिंग डैमेज कंपनसेशन ऑफ मनी इज नॉट एडिक्वेट। ओके, तो ये जो नॉट एडुकेट जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इन दो केस में मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ कब माना जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में। मूवेबल केस में जब यदि वो कोई नॉट जो प्रॉपर्टी है वो नॉट ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जनरली नॉट ऑर्डिनरी आर्टिकल जो ट्रेड होता है, या ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई स्पेशल वैल्यू या इंटरेस्ट है प्लेंटिफ के लिए, जो पर्सन है उसके लिए प्लेंटिफ जिसको के लिए स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, ठीक है, या नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, या हेल्ड एज एजेंट। एजेंट इन नॉर्मली इन सारी कंडीशंस के अंदर जनरली कोर्ट डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मनी में नहीं तौली जा सकती, नॉट ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी प्लेंटिफ के लिए स्पेशल वैल्यू है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये एजेंट। इन सब केसेस में कोर्ट जनरली डिटरमाइन करती है कि कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एन एडिक्वेट, ठीक है। उसके अलावा एजेंट इसी तरह सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन 11 क्या कहता है, यदि एज ए ट्रस्ट कोई प्रॉपर्टी है,
ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी है और वो के तो ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी को वापस एनफोर्स केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से ही किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट जनरली क्या है, पूरा का पूरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, लेकिन एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, सेक्शन 11 में ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है कोड। एक सेक्शन 12 है, क्या आप ये बताइए कि पार्ट परफॉर्मेंस पार्ट परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट भी असर्टेन किया जा सकता है? आप ये बताइए, जैसे मान लो लालू ने 100 एकड़ जमीन लालू ने मांगू से खरीदी, उसका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन मांगू के पास बेसिकली केवल 98 एकड़ जमीन थी या 50 एकड़ जमीन थी, बाकी उसको बिलोंग ही नहीं करती थी, या केवल 2 एकड़ जमीन थी। ये 3 केसेज हैं, लेकिन 100 एकड़ तो उसके पास है ही नहीं, तो वो देगा कहां से? तो क्या लालू मांगू पे केस कर सकता है कि 98 एकड़ दे दीजिए और बाकी 2 एकड़ का कंपनसेशन दे दीजिए? यस। तो ये सेक्शन 12 कहता है, यदि किसी केसेस के अंदर जहां की 100% पॉसिबल ना हो लेकिन 98% या सब्सटेंशियल हो, इन केसेस में वो 98 एकड़ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है और 2 एकड़ के लिए कंपनसेशन ले सकता है। इस केस में 50 एकड़ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है और 50 एकड़ का कंपनसेशन हो सकता है। यहां 2 एकड़ में बहुत ही मिनिमल केवल 2 एकड़ है, तो इस केस में जनरली सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना मुश्किल है। However, जहां सब्सटेंशियल है उस केस के अंदर इवन पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि 2 एकड़ भी उसके 2 फार्म है, एक ये 2 एकड़ का है और ये एक 90 एकड़ का है, तो यदि तीसरी चीज है, यदि सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्ट है, तब इस पार्ट की भी वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है। तो 3 केस में ले सकता है, या तो ठीक है कि अंडर अनपरफॉर्म वाला पार्ट बहुत छोटा हो तब भी करवा सकता है, या सब्सटेंशियल हो तब भी करा सकता है, और तीसरे के अंदर क्या है, यदि वो डिस्टिंक्ट पार्ट हो, बिल्कुल सेपरेट हो सकता हो, इन दैट केस आल्सो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन कौन से की हो सकती है, जहां स्टैंडर्ड डिटरमाइन नहीं हो सकता हो, या जहां मनी इज नॉट द एडिक्वेट कंसीडरेशन। जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये बेसिक प्रिमिज कोर्ट का ये रहता है कि कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट। इवन इन द मूवेबल प्रॉपर्टी
यदि वो नॉट ऑर्डिनरी कोर्स जनरली इस तरह की मोबाइल प्रॉपर्टी है जो कि जनरली ट्रेड नहीं होती है या प्लेंटिव के लिए उस पार्टी के लिए उसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट है या मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है या उसने हैंड एज एन एजेंट है, इन केसेस में वो कहेगा कि मनी इज नॉट द एडिक्वेट कंसीडर। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट है, उस हेल्ड इन ट्रस्ट के अंदर जनरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एनफोर्सेबल। इवन सेक्शन 12 कहता है इवन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यदि सब्सटेंशियल पार्ट हो या थोड़ा सा लेफ्ट रह गया हो, बाकी सारा पार्ट हो, नियर 100% हो, सब्सटेंशियल हो और इवन छोटा भी हो, लेकिन आइडेंटिफाइड सेपरेट परफॉर्मेंस जिसकी हो सकती हो, ठीक है, इन दैट केस सूट विल बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी एनफोर्स्ड। ओके, तो ये हमने कुछ समझा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि एनफोर्स हो सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हाँ जी, तो बात कुछ कुछ समझ में आई? यस सर। अब हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट विच मे नॉट बी एज विच मे नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। Which may not be specifically enforced. ये आपका contract which may not be specifically enforced, ये हमको बताता है section 14, section 14 of specific relief act. तो ये कौन कौन से बताता है? सबसे पहला कहता है number 1, जहां money is adequate relief, दूसरा क्या है, कोई ऐसा चीज जहां पे रिक्वायर, यदि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें तो उसके लिए सुपरविजन ऑफ कोर्ट जरूरत है और कोर्ट के पास इतना समय नहीं है, कोर्ट के पास समय नहीं है, टाइम प्रेशर है, इसलिए तीसरा कोई पर्सनल क्वालिटी ऑफ ए पीपल का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल क्वालिटी ऑफ पीपल या किस तरह का उसका नेचर ऐसा है कि कोर्ट कांट एनफोर्स, कोर्ट कांट एनफोर्स। तो ये सारे केसेस हैं जिनके अंदर या फिर डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट है, डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, या जो कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन को रेफर होने हैं। इन छह केसेज के अंदर क्या हुआ, ये वाले कोर्ट जहां मनी इज एडिक्वेट रिलीफ, सुपरविजन ऑफ कोर्ट, पर्सनल क्वालिटी, ऐसा नेचर है कोर्ट कांट एनफोर्स, डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट
या जहां आर्बिट्रेशन से फैसला हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के इन सब से क्या लगा, मैरिज टाइप के। अब जैसे स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस, पर्सनल स्किल, गाने की पर्सनल स्किल, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ओके, उसके अलावा नंबर 7, यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में या तो सेलर के पास टाइटल ही नहीं है, सेलर डज